योग व आयुर्वेद की धरती भारत में आधुनिक विज्ञान के समायोजन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास हुआ है। पेट स्कैन व लीनियर एक्सेलरेटर जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज भारत में 50 से भी अधिक अस्पतालों में उपलब्ध है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मेदांता और पारस हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में विश्वविख्यात डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर अरुण सरोहा, डॉक्टर हरित चतुर्वेदी, डॉक्टर मानस कालरा, डॉक्टर विनोद रैना, डॉक्टर रमा जोशी, डॉक्टर राणा पातेर, डॉक्टर विकास दुआ, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर सुरेश अडवाणी और डॉक्टर जे एस विर्क जैसे डॉक्टर्स ने कैंसर के इलाज में भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। टॉकिंग अबाउट कि इसके कारण क्या होते हैं, बोन कैंसर या सार्कोमास बनता क्यों है, तो एज सच इन 95% ऑफ द केसेस देर इज नो पर्टिकुलर रीजन या कोई मुख्यतः कारण नहीं होता है जिसे हम कह सकते हैं कि ये बोन कैंसर बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोन कैंसर बच्चों में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोसार्कोमा 10 से 20 साल की उम्र में, जो एक ग्रोइंग एज ग्रुप होती है बच्चों के लिए, दे आर नॉट एक्सपोज टू एनी रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम कह सकें कि जिसके कारण ये कैंसर बन जाता है। सिमिलरली एक कैंसर होता है जिसे हम इविंग सार्कोमा कहते हैं, वो 5 से 15 साल की उम्र में बहुत कॉमन होता है। कॉन्ड्रोसार्कोमा 35 से 40 साल की उम्र के बाद कॉमनली देखा जाता है। बट एज सच इन 95% ऑफ द केसेस देर इज नो पर्टिकुलर रीजन कि ये बोन कैंसर हमें बनते हैं। वी कॉल इट इडियोपैथिक, कि ये आप आम भाषा में मुझसे पूछें तो वी कैन जस्ट से इट कि इट इज प्लेन बैड लक फॉर पेशेंट्स कि ये बोन कैंसर बच्चों में बन जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी बोन कैंसर्स या बोन मेटास्टेसिस, तो इसके अंदर ऑलरेडी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक लंग कैंसर, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट। एंड जब वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं या ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं कराते हैं, सो दिस कैंसर कैन गो इन टू द बोन्स विच वी कॉल एज बोन मेटास्टेसिस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम या जो मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम बोन कैंसर में देखा जाता है दैट इज बोन पेन, कि यदि पेशेंट या जिसको बोन कैंसर डेवलप हो रहा है वो एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ दी बॉडी, मे बी इन सम आर्म बोन या हमारी फोर आर्म में या लेग में या थाई में, एक पर्टिकुलर रीजन में दे विल कंप्लेन ऑफ पेन। दैट पेन इज यूजली मोर सीवियर इन द नाइट, जिसे हम नाइट पेन्स कहते हैं, एंड अनरिलेंटिंग प्रकार की पेन होती है, कि इवन इफ यू आर टेकिंग नॉर्मल पेन किलर मेडिकेशंस थोड़ा टाइम आराम रहता है बट उसके बाद दोबारा पेन शुरू हो जाती है। सो यदि कंटिन्यूस इस प्रकार की बोन पेन किसी को चल रही है, स्पेशली इन यंगर चिल्ड्रन और इन अडल्ट्स, तो इसको वी शुड बी सस्पिशियस ऑफ अ बोन कैंसर एंड शो टू अ बोन कैंसर सर्जन एट द अर्लीस्ट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम पेन, दे कैन बी मैनी अदर सिम्टम्स लाइक अ स्वेलिंग, कहीं पे गांठ बन सकती है, जो एक प्रकार से आप कह लो कि समटाइम्स पेशेंट कैन इवन फील देम, जिन्हें हम पैल्पेबल स्वेलिंग्स कहते हैं। एंड यदि ये कूल्हे की हड्डी में है या हमारी थाई की बोन में है, तो बोन्स के तो पेशेंट्स कैन इवन हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग, और जिसे हम कहते हैं लिम्प के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। Sometimes when bone cancers are at an advanced stage, sometimes patients present to us with fractures. In fractures को हम pathological fractures कहते हैं, they are not normal fractures. Normal fractures हमने सुना होगा कि किसी को चोट लग गई, कोई नीचे गिर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रॉमा के कारण जो फ्रैक्चर होते हैं, ये जो फ्रैक्चर होते हैं क्योंकि एक अंदरूनी कमजोरी आ गई होती है हड्डी में बिकॉज ऑफ द कैंसर या बिकॉज ऑफ द ट्यूमर, तो ये फ्रैक्चर थोड़ी सी भी इंजरी होने में या थोड़ा सा भी पैर स्लिप होने में पेशेंट कैन हैव मेजर फ्रैक्चर्स, सो इन्हें हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि देयर आर बैटरी ऑफ टेस्ट्स जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन आपके कराएंगे व्हेन दे सस्पेक्ट कि आपको बोन कैंसर हो सकता है, तो इसमें सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन इज द एक्सरे। सो एक्सरे फॉर्म्स द मेन इन्वेस्टिगेशन, जिसके बेसिस पे फिर आगे बैटरी ऑफ टेस्ट जो हैं वो कराए जाते हैं। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सीटी स्कैन, MRI,
But the most important investigation, once we have radiologically seen that you may be having a bone tumor or bone cancer, is biopsy. So, aajkal jo biopsy ki jati hai, it is done through a needle in bone tumors and cancers, which is called a needle biopsy or a J or a Jamshedi needle biopsy. तो इसके अंदर थोड़ा सा टुकड़ा लिया जाता है जहाँ पर आपकी रसोली होती है या जहाँ पर गांठ है या जहाँ पर बोन कैंसर सस्पेक्ट किया जा रहा है. सो यूजुअली इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन ये थोड़ा सा उनको बेहोश करके किया जा सकता है. अडल्ट्स में ये लोकल एनेस्थीजिया में बड़ी सेफली की जा सकती है. इट्स अ डे केयर प्रोसीजर. डे केयर प्रोसीजर का ये मतलब है कि पेशेंट सुबह आता है, अपनी बायोप्सी कराता है एंड देन दे कैन गो बैक इजली. And after 3 to 4 days, when the report is available, we can further guide them regarding the treatment. Talking about treatment of bone cancers. So once you have been diagnosed with bone cancer, या सार्कोमा का एक diagnosis बन चुका है, then comes the treatment part. इसके अंदर staging forms an important part. Staging का मतलब है कि आपका देखना कि bone cancer किस stage में है. केवल उसी जगह पर है जहाँ पर हमने आपका इमेजिंग करा के देखा है या शरीर के किसी और हिस्से में भी है. सो इसके अंदर होल बॉडी पेट सीटी फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर पूरी बॉडी जो है आपकी स्क्रीन की जाती है टू सी फॉर कि कैंसर बॉडी के किसी और हिस्से में तो नहीं है. सो वंस द स्टेजिंग इज कम्प्लीट और आपका स्टेज ऑफ बोन कैंसर हमें पता लग गया है, देन कम्स द ट्रीटमेंट ऑप्शन. सो यूजली इन बोन कैंसर और सार्कोमास कीमोथेरेपी initially few cycles forms an important part, following that with the surgery. So surgery in bone cancer nowadays, ek special prakar ki surgeries introduced ki gayi hain for the past 20 to 30 years. They are called limb salvage surgeries. So aaj se 20 ya 30 saal pehle jab kisi ko bhi bone cancer ke sath diagnose kiya jata tha, to as far as surgery is concerned to bade limited options the. ज़्यादातर पेशेंट्स यूज टू एंड अप इन एम्पुटेशन. एम्पुटेशन का मतलब है कि टांग निकाल दी जाती थी या बाजू निकाल दी जाती थी. बट ओवर द पास्ट 20 टू 30 ईयर्स जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आई हैं हमारी इमेजिंग मोडालिटीज़ में, हमारे कीमोथेरेपी ड्रग्स में एंड हमारे सर्जिकल टेक्निक्स में, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज और लिम्ब प्रिजर्वेशन सर्जरीज. सो इन सर्जरीज में टांग या बाजू कट करने की जरूरत नहीं होती है. वी कैन प्रिजर्व the arm or the leg bone or the thigh bone wherever the bone cancer is there. So these surgeries, in surgeries mein do main parts hote hain. The first part is what we call the resection. Resection ka ye matlab hai ki jo cancer wali haddi hai usko safely nikal diya jata hai with margins. And second part is the reconstruction. Reconstruction ka matlab hai ki jo wahan par defect reh gaya hai after taking out the cancer bone, उसके स्थान पर विधि कंस्ट्रक्टेड विद वेरियस ऑप्शंस. सो रिकंस्ट्रक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर. सो यही आपका बोन कैंसर अगर जॉइंट के पास है, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट के पास है या हिप जॉइंट के पास है, तो यूजली वी हैव टू डू अ जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑल्सो विच वी डू इट विद अ एंडो प्रोस्थेसिस या मेगा प्रोस्थेसिस या ट्यूमर प्रोस्थेसिस. सो दे आर नॉट लाइक नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स. They are more advanced or bigger forms of them, you can say. When these tumors या cancers कुछ ऐसी locations में होते हैं जहाँ पर हमें joint replace करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर we can do something known as biological reconstruction. So biological reconstruction का ये मतलब है कि जब हमने cancer वाली हड्डी निकाल दी है तो उसी हड्डी को sterilize करके या recycle करके हम वापस शरीर में लगा सकते हैं. सो रिसाइकलिंग करने के बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास. या तो हम उस हड्डी को रेडिएशन दिला सकते हैं, जिसे हम ECRT कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रेडियोथेरेपी, या एक आज का लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है विच वी कॉल क्रायोथेरेपी, कि उसी कैंसर हड्डी को हम लिक्विड नाइट्रोजन से ट्रीट करते हैं ऑपरेशन थिएटर में एंड वी पुट इट बैक इनटू इट्स प्लेस. सो दीज लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर ऑल्सो नाउ अवेलेबल विच नॉट ओनली इंश्योर कि आपकी टांग या बाजू बच जाएगी, बट ऑल्सो इंश्योर कि यू विल हैव अ गुड फंक्शन, कि आप एक नॉर्मल एक्टिव हेल्दी और कैंसर फ्री लाइफ तो जी सकते हैं आफ्टर योर सर्जरी, बट इवन यू कैन हैव अ गुड फंक्शन एंड कैरी आउट ऑलमोस्ट ऑल डेली रूटीन एक्टिविटीज विच अ नॉर्मल पर्सन ऑफ योर एज एंड स्टेज इज डूइंग. सो टॉकिंग अबाउट प्रोग्नोसिस या इसका आगे सर्वाइवल रेट कैसा रहता है बोन कैंसर या सार्कोमास का,
तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इफ़ इट इज़ डायग्नोस्ड एट अ अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज का मतलब है कि ये शरीर में कहीं नहीं फैला हुआ है, हमने पेट सीटी कराया पेशेंट का और हमने देखा कि वो एक ही स्थान पर है, तो इन केसेस में पेशेंट्स कैन हैव अ सर्वाइवल रेट ऑफ ऑलमोस्ट 70-80%। इसका मतलब ये है कि अगर 100 पेशेंट्स को डायग्नोज किया गया है विद सार्कोमास विद बोन कैंसर, तो यदि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आउट ऑफ दोज 100 पेशेंट्स एट द एंड ऑफ 5 और एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स 70-80 पेशेंट्स विल बी अलाइव एंड दे विल बी लीडिंग अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ, सो विच इज़ अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल रेट इन सार्कोमास provided we diagnose it at an early stage and we get the proper treatment done.